आज वलीमा है और 10 बजे हम उठ गए हैं। 2 बजे मेकअप आर्टिस्ट ने आना है। और माँ आप क्या कर रही हैं? मैं नेल पॉलिश उतार रही हूँ। दौड़ियाँ लग गई हुई हैं और आज वलीमा है और आज वलीमे की सारी वीडियो जो है मैं आपसे शेयर करूँगी। का सबसे प्यारा पार्ट कि मेरा इतना प्यारा ड्रेसिंग टेबल है और अम्मा हमेशा की तरह ये जो कपड़े धोने वाले अंदर टांग देती हैं। अम्मा कितने पेंडू लग रही है, क्या किया आपने? ये पेंडू नहीं है, आजकल धुंध पड़ी, कपड़े सूख नहीं रहे, फिर रात को घर के अंदर डाले तो फिर कहीं जाके सूखते हैं। पार्ट भी दिखा दूं, इतनी प्यारी खिड़की है मेरी, यहाँ पे भी अम्मी ने कपड़े टांगे हुए हैं। वाओ वाओ, फिर जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गई हुई है। ये तकिए पे कवर इसे चढ़ाया हुआ है, जब हम ऑयल लगाते हैं तो तकिए पे कवर एक्स्ट्रा शर्ट डाल देते हैं ताकि जो कवर है वो ख़राब ना हो। स्टार्ट हो गई हुई है, मैं बाद में दिखाऊंगी कमरा कितना साफ हुआ है सारा। ये देखिए कोट टना हुआ है, शीशा, ये सब मैसी है। हम गाने लगाएंगे, नमाज पढ़ के हम सो जाते हैं। अब ये मत कहिएगा नमाज तो पढ़ते नहीं, गाने सुनते रहते हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दिया करें आप लोग। अब गाने लगाएंगे ताकि माहौल काफ़ी अच्छा रहे और हम उसी गाने सुनते सुनते घर का पूरा काम करें और टाइम पे तैयार हो जाएं। जो है वो ऑलमोस्ट साफ ही है क्योंकि घर माशा साफ ही रहता है। अब मैं तो खोलती हूँ मेन ताकि थोड़ी सी हवा जो है वो क्रॉस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी माँ की मेहनत, मेरी मम्मी की मेहनत है। चीज़ें खाती हूँ, ये हमारे घर की लाइट है, ये सदा बहार रहती हैं, इससे पूरा घर रौनकी रहता है, शादी हो या ना हो। अब आप देखिए टीवी लाउंज में भी हमारे सोफे पे कपड़े टांगे हुए हैं। उफ़ अल्लाह यार, ये सारी माएँ ऐसी होती हैं। कितना बड़ा टीवी लाउंज है। ये बिलाल का बिस्तर है जिसको मैं उठाने लगी हूँ और आपकी जो है टीवी लाउंज में झाड़ पूछ करूँगी, साफ़ करूँगी और वो साफ़ ही है, नीट एंड क्लीन है, कहीं आपको मट्टी नज़र नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम सफाई आज करेंगे। इधर सोफों पे भी हमारे कपड़े टांगे हुए, टेबल पे भी। क्या करें भाई, पूरे घर में कपड़े कपड़े। बाजी देख रही है हमारे क्या किए। आपके अम्मा ने बहुत ज्यादा गंद फैलाया हुआ है। बहुत गंद फैलाया हुआ है भाई, बहुत गंद। अब बाजी सारी सफाई करें, सारी सफाई करें, है ना। कपड़े सूखे हुए अब ये अम्मा उठाएंगी सारे। खड़ा झाड़ू मार, खड़ा झाड़ू, कस के मार, कस के, ऐसी बोलती है ना अम्मा। ये पूरी जान लगा दे, पूरी जान नहीं, जान ही कटनी, फिर काम कौन करेगा बाजी? कैसी बातें करती हैं आपकी जान हमें बहुत अजीज है। वाह अम्मा ने क्या बेड साफ किए, दूसरे तकिए रह गए अभी। वेरी गुड अम्मी, कपड़े भी उठा दिए सारे। अम्मा आप तो गुस्सा कर गई हैं। तो बोले हमारी जो है उसकी चाबियाँ मैंने छुपाई होती हैं ताकि मेरा जूता जो है वो कोई इस्तेमाल ना करे, इतनी तेज हो। अब कल के जो जूते हैं मैं जो पहन के फ्री हो गए हैं वो मैं अपनी अलमारी में रखूँगी ताकि ख़राब ना हो और घर में जूते बिखरे हुए नज़र ना आए। यहाँ पे भी जाओ बाजी आ जाती हैं। बाजी मैं जूते रख लूँ अपने? ये देखे मैंने अपनी जूते अलमारी को ताला लगाया हुआ है। वाह, ये भी जूते होते हैं वो उनसे लंदन के होते हैं क्योंकि मुझे उनकी जूते बहुत पसंद हैं। अब मैं इन डब्बों को खोल के मैं जूते जो हैं अपने वापस डालूँगी ताकि ये सेफ रहें और ख़राब ना हो। और मेरे जूते ईमान से 3-4-5 साल तक बिल्कुल न्यू रहते हैं। यानी हूँ मैं कि मैंने अपनी जो चाबियाँ जो हैं वो मेडिसिन बॉक्स में डाली हैं ताकि किसी को शक भी नहीं रहे कि मेरी चाबियाँ यहाँ होती हैं। मेरी बहन है, उसका और मेरा साइज़ बिल्कुल सेम है और वो जब भी जूता निकालती है साफ करके नहीं रखती हूँ, मेरा उसका बहुत ठड्डा होता है, इसलिए मैं अपना जूता जो है वो चीज़ें जो है छुपा के रखती हूँ। बनने के लिए चाय जो ऊपर चढ़ा दी और ये देखे मेरी भाभी ने गोल गोल पराठे। वाह बहू वाह, क्या संस्कार लिए तुमने, वेरी नाइस। मैं आ जाते हैं, बच्चे अब तक सो रहे हैं। रात 2 बजे जब बच्चे सोएंगे तो देर तक ही उठेंगे ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के दिन का आगाज करते हैं और आज का दिन जो है बहुत ही हसीन और खूबसूरत है इंशाल्लाह। गाइस मैं 2 दिन से पराठा खा रही हूँ, उस दिन ढोलकी पे और आज वलीमे वाले दिन, क्योंकि रात तक भूखा रहना है तो मैंने सोचा मैं पराठा खा लूँ। पराठा मेरा बहुत ही छोटा था और देखने शादी पर जाके, मैं शादी पर जाके मैंने कराची जाके कुछ नहीं इतना ख़ास खाया क्योंकि कहीं जाके खाया नहीं जाता। और वो लोग पता नहीं कौन होते जो कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो बहुत भूख लगती है और हम बहुत खाते हैं। सफाई के बाद जल्दी यहीं से घर साफ करते हैं, तैयार भी होना है। 12:30 बनकर आके में ये मेरी साड़ी, क्या बात है, फड़ा फैशन लाइन की, मेरी मामा के ब्रांड की,
और ये अम्मी का ओफ अम्मी रॉयल ब्लू ज़बरदस्त। आज भी अम्मा आफत लगने वाली हैं। और ये ज्वेलरी हमने निकाल ली, अब ज्वेलरी जो है वो डिसाइड हो रही है। मैं कब तक आ रही मेकअप आर्टिस्ट? 2 बजे तक। 2 बजे तक? 1 बजे। चलो तुम नहा लो। ओफ 1 बज गया है, आ जा। तो पहले आके जल्दी से पी मेडिसिन लें अपनी ब्लड प्रेशर की। जल्दी दी, पहले सबसे पहले दे भाई। आ जाए, आ जाए। जल्दी दी, आ जाए। बहुत इस्तेमाल करें अपने साइड टेबल पे, अपनी बड़ी बोतल रखें और डिहाइड्रेशन नहीं होने देना। जो मर्जी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना। अब देखें मेरी थोड़ी सी बोतल रह गई है, इसको मैं फिर रीफिल करूँगी और पूरी पीती रहूँगी। वैसे वैक्यूम लग रहा है भाभी कमरे से और कमरा जो ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सुथरा। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और ये देखिए अम्मा के कपड़े जो है ना ये तक उठे नहीं है यार, ये सबके घरों में हो रही है, मेरे घर में ही हो रहा है। शावर ले लिया और अब मैं लगाने लगी हूँ डिओडोरेंट, क्योंकि जिए और जीने दे, मैं नहीं चाहती कोई शादी पे भी होश हो जाए, तो ये मस्ट है। मैं कान साफ़ करूँगी, कान भी बहुत ज़रूरी है, कान साफ़ करने, इसके साथ साथ इसी के साथ नाक भी साफ़ करना है। मेरी जूती है जो मैंने पहनी है साड़ी के नीचे, और साड़ी पहने लगी हूँ, पता नहीं मुझे सूट करती कि नहीं करती है। और रेड नेल कलर मैंने लगाया हुआ है क्योंकि मेरी ब्राउन और मेहरून साड़ी है, अल्लाह करे अच्छी लगूँ। पहले से पहले मैं तैयार होकर बैठ गई हूँ ताकि वो आए और हमें उसको वेट ना करवाना पड़े। और मैं लगा लगी हूँ मैक का प्राइमर ताकि जो मेरा मेकअप है वो स्टे कर जाए और अच्छे तरीके से स्टे कर जाए और स्किन जो है मेरी शाइन और फाइन हो जाए। क्योंकि अपने नेल कलर को फिर से रिफ्रेश कर दूँ ताकि वो और शाइनिंग शाइनिंग हो जाए। क्या कहते हैं आप लोग? पार्टिस भी आ गई हुई है और ये रही हमारी प्यारी सी सबा। सबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। सबा क्या करने वाली है मेरे बालों के साथ? स्पेशल हसीन बनाना खुदा के वास्ते। ओ माई गॉड, फाइनली लुक मैं जैसा चाह रही थी, एक इंग्लिश लुक, स्मार्ट लुक साड़ी के साथ। ये देखें, थैंक यू सो मच सबा, इतना हसीन बनाने का। वेलकम, थैंक यू। ऑलमोस्ट मेकअप तो हो गया लेकिन मैं चाह रही हूँ साड़ी के साथ मेरी डेड स्ट्रेट बाल हों। फाइनली मैं और अम्मा तैयार हो चुके हैं। ये अम्मा कितनी हसीन लग रही है माशाल्लाह। और मैं जैसा चाह रही थी कि साड़ी के साथ मेरी लुक्स जो हैं वो बहुत ही डिसेंट हों और बहुत ही सॉफ्ट हों, और सबा ने मुझे उसी के मुताबिक बनाया और मैं बहुत खुश हूँ। जब आपकी लुक्स अच्छी होती है ना तो आपको मैं आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे लगता है ऐसा। ये है मेरे साथ कासिम। कासिम अस्सलाम वालेकुम। वन एंड ओनली कासिम। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी लेट ना होने वाले, और आपकी अच्छी स्टूडेंट हूँ ना मैं, है ना? तो आज हम शूट करने वाले हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ और खैर से शूट पहुँच गए हैं फाइनली वलीमे पे। ये हमारी दुल्हन जो है इनकी एंट्री स्टार्ट हो गई हुई है, इतनी हसीन लग रही है, खूबसूरत। जी ये मिली है हमारी नेहा भाभी से, जो कि महफिल जिन्होंने लूट ली हसीन लगकर, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। पल्विशा जी हसीन, और मैं इनकी क्या ही तारीफ़ करूं, इनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सबको इनका पता है कि कितनी अच्छी औरत हैं, कितनी नाइस लेडी हैं माशाल्लाह। और ये समा सबा हमीद,
बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मी, तो मैं इनकी फ़ैन हूँ। और ये अम्मा, अम्मा जी हमारे दिलों की जान, सो फनी, वो इतनी अच्छी, इतना खुल के हंस रही थी, इनकी क्या हंसी थी कि मज़ा आ गया उनसे मिलकर। ये सबा खाला और अम्मा जी ने तो भाई महफिल लूट ली, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे, मज़ा आ गया। खाना देखें, फिश एंड सैलेड, मैंने और कुछ नहीं खाया। खापो जी, बिल्कुल 10,000 आज, 10,000 मेरे सब्सक्राइबर आज हो चुके हैं। इस खुशी में आज मैं एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाऊंगी। मेरी जान, मेरी खाला, मेरी मेरी क्या कहूँ, मेरे सामने क्या आ गया है। और ये देखिए जलेबी, आज का जो ब्लॉग है वो खत्म होने जा रहा है और 10,000 सब्सक्राइबर आज मेरे हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। ये नया साल है, हम सबके लिए खुशियों भरा लेकर आए और फलस्तीन पे अल्लाह पाक अपना करम कर दे, रहम कर दे और दुश्मनों की जड़ें उखेड़ दे।